नमस्कार दोस्तों, आजना वीडियो में हूँ तमने लई जईश प्रसिद्ध तीर्थधाम एवं सालंगपुरनी मुलाकाते। आ वीडियो में हूँ तमने आ मंदिरनो इतिहास, मंदिर साथे जोड़ायेली मान्यताओं, आ उपरांत भाविकों माटे रहेवा तेमज भोजननी केवी व्यवस्था छे ते पण हूँ तमने जणावीश। तो चालो पहुंची जाइए सालंगपुर हनुमान दादाना दर्शने। दोस्तों, सालंगपुरनु आ मंदिर अमदावादथी 150, राजकोट थी 135 अने भावनगर थी 80 किलोमीटरना अंतरे आवेलू छे। मंदिर में प्रवेश करवा माटे अलग अलग गेट बनावामां आव्या छे। आवा ज एक गेट थी एंटर थईने आपणे पहुंची गया छीए मंदिरना परिसरमां। अहींया वाहनोने राखवा माटेनी पार्किंगनी पण सारी व्यवस्था छे, जेनो कोई चार्ज लेवामां नथी आवतो। वाहन पार्क करीने आपणे दादाना मंदिर तरफ आगळ वधी रह्या छीए। रस्तामां बंने साइड तमने भाविकोने रहेवा माटेनी जग्याओ जोवा मळे छे। सालंगपुर मंदिरे दर्शनार्थे आवता भाविको माटे एसी तेमज नॉन एसी रूमोनी सारी एवी व्यवस्था छे, जे खूब ज मामूली दरे भाविकोने आपवामां आवे छे। सालंगपुर में भाविकोने रोकावा माटे अलग अलग अतिथि भुवनो छे, जेम के सामे जे तमने देखाई रह्यो छे व्हाइट कलरनुं बिल्डिंग ते छे स्वामीनारायण अतिथि गृह। मंदिरना परिसरमां अन्य पण अतिथि गृह छे, तो जे मुजब जगह मळे ते मुजब भाविकोने आपवामां आवे छे। मात्र 5 मिनिट चाल्या बाद आपणे मुख्य मंदिरनी पासे आवी गया छे। तमे जुओ, लोकोनी संख्या पण धीमे धीमे वधवा लागी छे। दोस्तों, आम तो सालंगपुर दादानु मंदिर सवारे 5:30 वाग्याथी लई अने रात्रे 9 वाग्या सुधी खुल्लू रहे छे, परंतु बपोरे 12 वाग्याथी 3:15 वाग्या सुधी मंदिर बंध होय छे। जो तमे पण मंदिरना दर्शनार्थे जता होय तो आ वातनु खास ध्यान राखजो। दोस्तों, हूँ ज्यारे सालंगपुर पहोंच्यो त्यारे वाग्या हता बपोरना 12:30, जेथी मारे दादाना दर्शन करवा माटे 2.5 कलाक सुधी राह जोवी पड़शे। परंतु चिंता नहीं करवानी, त्यां सुधी आ मंदिरना अन्य विभागों पण हूँ तमने देखाड़ी दऊं, साथे ज आपणे बपोरनुं भोजन पण मंदिर में लईशुं। मंदिरनी बाजुमां ज प्रसाद काउंटर छे के ज्यांथी तमे प्रसाद लई शको छो। आ उपरांत जो तमारे दान लखाववुं होय तो ते पण अहींया तमे लखावी शको छो। जो तमे एक लिस्ट आपवामां आवी छे कि दान तमारे कया प्रकारनुं करवुं छे, तो केटलुं करवुं पड़शे, ते तमाम बाबतो अहींया लखवामां आवी छे। दोस्तों, आ मंदिरना इतिहासनी वात करीए तो बोटाद जिल्लाना बरवाड़ा पासे आवेला आ सालंगपुर गाममां आजथी 250 वर्ष पहेला स्वामीनारायण संप्रदायना महंत स्वामी गोपालनंद स्वामीए आ मंदिरनो पायो नाख्यो हतो। सालंगपुरनुं आ मंदिर भूत प्रेतनी बाधा निवारण माटे पण खूब ज प्रख्यात छे। मात्र गुजरात ज नहीं परंतु अन्य राज्यमांथी पण लोको भूत प्रेत दूर करवा माटे अहीं आवे छे। एवुं कहेवाय छे के मात्र हनुमानजीना दर्शन मात्रथी ज व्यक्तिमांथी दरेक नकारात्मक बाबत दूर थाय छे अने तेना जीवनमां आवे छे शांति तेमज सुख। मंदिर परिसर में ज आवेला श्रीहरि मंदिरनी पण आपणे मुलाकात लईए। वर्षों जूनू आ श्रीहरि मंदिर पोतानी कोतरणी तेमज काष्ठकला माटे खूब ज जाणीतुं छे। घणा बधा भक्तों सालंगपुर में पाठ करावा आवे छे, जेना माटे एक अलग व्यवस्था करवामां आवी छे। तमारे सौ प्रथम आ जग्याए जवानुं छे, पोतानुं नाम तेमज अन्य विगतो लखावानी छे अने तमारो नंबर आवे त्यारे तमारे पाठ में बेसवानुं छे। तमे जुओ, अहींया घणा बधा लोको लाइन में ऊभा छे। दोस्तों, अहींया मंत्रयुक्त डोडी, कंठी, जपमाळा वगैरह तमाम वस्तुओं माटेनो पण एक मोटो स्टोर छे, ज्यां खूब ज ओछा दरे आ तमाम वस्तुओं तमे लई शको छो। आ धार्मिक स्टोर में मैं घनी बड़ी वस्तुओं लीधी, तो तमे पण ज्यारे सालंगपुर जाओ त्यारे आनी मुलाकात पण जरूर लेजो। मंदिर खुलवाने हजू थोड़ी वार छे, त्यां सुधीमां आपणे भोजन लई लईए, त्यारबाद दादाना दर्शन करीशुं। तो दोस्तों, सालंगपुर मंदिर में दूर दूर थी आवता भाविकों माटे विनामूल्ये भोजनशाला छे, ज्यां तमे गमे त्यारे जईने भोजन लई शको छो। तमे जुओ घणा बधा लोको भोजन लई रह्या छे, तो केटलाक लोको लाइन में ऊभा छे। अहींया आखो दिवस एटले के 24 कलाक भक्तों माटे आ अन्न क्षेत्र चालू होय छे। समयांतरे अहींया जमवानी वस्तुओं बदलाती रहे छे, भाविको बदलाता रहे छे, परंतु आ आखी प्रक्रिया चालू ज रहे छे। हूँ ज्यारे अहींया पहोंच्यो त्यारे जमवामां घणी बधी वस्तुओ हती, जेम के अहींया हती खीचड़ी साथे शीरो हतो, आ उपरांत दाळ भात, शाक अने अन्य वस्तुओं पण अहींया राखवामां आवी हती। तो आ सालंगपुर मंदिर में 100 वर्ष थी चालतु निःशुल्क अन्न क्षेत्र है, ये 24 कलाक चाले। तो जो अँ लखेलू है आ मुख्य मंदिर आगे साइड में। बपोरनु भोजन लीधा बाद हवे आपणे आवी गया छीए मंदिरनी पाछळनी साइड में आवेला परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजना स्मृति मंदिरना दर्शने। दोस्तों, तमने सौ कोईने खबर ज हशे के परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजे आज मंदिर में अंतिम श्वास लीधा था और आज परिसर में तेमना अंतिम संस्कार करवामां आव्या था। त्यारबाद अहींया तेमनी स्मृति में एक आ स्थापत्य बनावामां आव्युं छे। जे पण भाविको सालंगपुर जाए छे तेओ अहींया जरूर आवे छे अने तेना दर्शन करे छे। दोस्तों, मंदिर खुली गयुं छे अने हवे आपणे दादाना दर्शन करवा माटे सालंगपुरना आ ऐतिहासिक अने पौराणिक मंदिरनी अंदर जईशुं। तो दादाना दर्शन करवा माटे खूब मोटी भीड़ अत्यारे जामी छे, खास करीने मंगळ अने शनिवारे आ मंदिर में खूब ज भीड़ होय छे। ज्यारे पण कोई भाविक आ सालंगपुर मंदिरना गर्भगृह में पहोंचे छे अने दादानी पावनकारी प्रतिमाना दर्शन करे छे, त्यारे तेना तमाम दुख दादा दूर करे छे अने एक प्रकारनी आध्यात्मिक शांतिनो अनुभव भाविकोने थाय छे। भक्तों दादानी प्रतिमाना दर्शन कर्या बाद थोड़ो समय मंदिरना गर्भगृह में बेसे छे अने दादाना जाप करे छे। घणा लोको अहींया हनुमान चालीसा वाँचे छे, तो घणा लोको भाव विभोर थई जाय छे। दोस्तों, दादाना मंदिरनी सामे ज हनुमान जी की एक प्रतिमा राखवामां आवी छे। आ कोई जेवी तेवी प्रतिमा नहीं, आ प्रतिमाना मुख में एटले कि हनुमान जी मुख में श्रीफल नाखवाथी ऑटोमेटिक आ श्रीफलना बे भाग थई जाय छे। एक भाग आ मशीननी अंदर ज रहे छे, ज्यारे बीजो भाग हाथमांथी आवे छे, जे भाविक पोतानी साथे घरे लई जाय छे। दोस्तों, मने आशा है कि प्रसिद्ध सालंगपुर मंदिर नो आ वीडियो तमने जरूर पसंद आव्यो हशे। जो पसंद आव्यो होय तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। तमारा कोई सवाल होय तो ते पण तमे कॉमेंट करीने जणावी शको छो। साथे ज आवा वीडियो आगळ पण जोवा माटे मारी आ यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद।